हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अरे यहाँ पे साइकिल की रेस होने वाली है, हट जाओ। अरे 8-10 हफ्ते बाद ये आदमी तो हट जाएगा, पर ये इसके सामने तो सुहेल जी ट्रेन आ जाए ना तो भी नहीं हटती है, ट्रेन की चीखें निकल जाती, ये नहीं हटती है। कभी कभी पता क्या होता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी थक जाए ना तो घूमने फिरने इधर उधर चला जाता है उंगली करके, लेकिन ये थक जाए तो कहीं जाती नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाती है और कपिल को लगता है कि उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। मैं बता दूं कि मैं हूं पहलवान शेर खान। एक बार अगर मैं दहाड़ दूं ना शेरों तो मेरा ना गला खराब हो जाता है, मुझे अगले दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ओ शेरों, हाय रब्बा काम मर गया तेरा, मेरे से तो कोई काम नहीं करते, मैं तो तंग आ गई हूं। हाय हाय हाय, मेरी तो फूटी किस्मत है भाई, फूटी किस्मत। अर्चना जी क्या बताऊं, इतना निकम्मा इंसान है, बेशरम इंसान है। शादी से पहले जो मेरे पास कुत्ता था उसका नाम भी शेरू था, अब शादी के बाद जो कुत्ता है उसका भी नाम शेरू ही है। तो पहलवान है ना, तो कुश्ती लड़ने क्यों नहीं गया? एक ना औरतों को बहस करने का बहाना चाहिए होता है, मुझे तो लगता है यहाँ तो तेरा दिमाग खराब है या फिर तेरा ही दिमाग खराब है। बस मान ली मैंने तेरी बात, लगा देता हूँ झाड़ू ही। जानू, सुनामी से पहले की शांति है। आप क्यों झाड़ू लगाने की तकलीफ कर रहे हो, मैं ही मार देती हूँ। अच्छा? लाओ मारो मारो। झाड़ू जमीन पे मारते हैं। तो शादीशुदा औरत का तो जमीन भी यही होती है, क्यों अर्चना? उनको क्यों इन्वॉल्व कर रही है, वो हमेशा झाड़ू जमीन पे मारती हैं। वो बात अलग है, उस वक्त जमीन पे परमीत लेटा होता है। अच्छा तो फिर ऐसे मारती होगी, ऐसे। अब क्यों मारा, दर्द हुई? हाँ। ये देख लो जी पहलवान शेरू नाम है इसका, कुश्ती के नाम से ही बिल्ली बन जाते हैं। ओए खबरदार जो ऐसा कुछ कहा तो, मैं खानदानी पहलवान हूँ, मेरे दादाजी सुहेल जी इतने बड़े पहलवान थे, इतने बड़े पहलवान थे, उन्होंने 7 फुट के पहलवान को ऐसे नीचे गिराया, उसके बाद इतना रोए हैं। क्यों? कहते गलती से मैंने गिरा तो दिया, वो उठ के इसने मुझे बहुत मारना। अच्छा तो तू खानदानी पहलवान है, मतलब अंडरटेकर से भी लड़ सकता है? एक बार ला तो सही अंडरटेकर को, ऐसे बालों से पकड़ना, ऐसे फेंकना कि नाक में उंगलियां देके ऐसे पलटा के मारना, अंडरटेकर को अंडरवियर ना बना दिया तो मेरा नाम भी शेर खान नहीं। अच्छा, हाँ, अंडरटेकर, हाँ, शेर खान, हाँ, कोई डर नहीं, नहीं वो सुन भी ले तो, सुन ले, हाँ, तो उसने तो सुन लिया, वो तो बाहर ही खड़ा है। ये तो तू विधवा होने वाली बात कर रही है फिर। कुश्ती के लिए तैयार है? नहीं नहीं तो नासी, मेरे को क्या, मैंने तो आज तेरी कॉमेडी सर्कस में शाम को एक लड़की के साथ कुश्ती फिक्स की थी। तू जा, आज मैं कुश्ती जीत के आऊंगा। हाँ मैं जा रही, मेरे को क्या करना है। अर्चना जी कौन होगी वो लड़की, मुझे पता ही नहीं था रोशनी तो दिन में भी कुश्ती लड़ती है। रोशनी मैं इधर मुंह कर लेता, तू इधर से आ जा। मुझे कुश्ती करनी तो मुझे मार मार खाने में जितना मजा आता है ना कहीं नहीं आता। मार, दर्द नहीं हुआ, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मार, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी रोता है। मोटा, रुक जा, तुझे तेरे बाप की कसम है, रुक जा। सुहेल जी हर बार मेरे साथ धोखा होता है, ऐसे ही धोखा होता है मेरे साथ, दिखाते कुछ है और निकालते कुछ है। मुझे बोला था कि मेरा मुकाबला सुदेश और कपिल के साथ होगा, मुझे क्या पता पहले एपिसोड में मुकाबला सुहेल खान से हो जाएगा। मेरे को भी सुहेल जी ने भेजा है, पता है तेरे को, उन्होंने कहा था जाके रजीव की ना बाजू तोड़ देना। सरा सुसो, एक थप्पड़ मारने से एक नंबर एक्स्ट्रा, तो जब बाजू तोड़ दूंगी तो फिर तो सेंड कमीशन भी लेगा, सेंड कमीशन भी लेगी। एक मिनट मोटा, एक मिनट रुक जा, मुक्का ना मारी, मुक्का नहीं 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 नहीं। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, वो है मारने के लिए, तू छोड़ दे। एक सवाल का जवाब दे फिर तुझे छोड़ सकती हूँ। कौन सा सवाल? ये बता, ऐसी कौन सी जगह है
जहां पर लोग अपना काम खुद करते हैं लेकिन पैसे दूसरों को मिल जाते हैं। जजमेंट। हाँ, मेरा पत्ता मम्मी की तरह था ना। गलत जवाब, शॉट कर ले। अब सो तू मर गया। दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस मोटो तू जीत गई। उठ जा, उठ जा। मैं जीत गई। अबे मोटो, पहले नंबर पे खड़ी हो, दूसरे पे क्यों हो गई है? लो फिटे मुंह इसका अर्थ ना दी, बताओ इसको कि यहाँ पर पहला नंबर तो रिजर्व है ना। आजो रोशनी, बता दो कौन है यहाँ पर।